देश का विकास ही है हमारा उद्देश्य। समाज का उत्थान ही है हमारा कर्तव्य। बिना रुके बिना थके इस देश के लिए विकास कार्यों को गति देना ही है हमारा संकल्प। गाजियाबाद नगर निगम 100 वार्डों में बंटा हुआ है। जीटी रोड के उत्तर पूर्व में स्थित राकेश मार्ग नेहरू नगर ब्लॉक 3 AFGHKJ कमला क्वार्टर, छज्जू क्वार्टर, नासिरपुर गांव एवं भाटिया मोड़ की सीमा में समाया वार्ड 39 अपने आप में मिली जुली आबादी का क्षेत्र है। निगम चुनाव 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में शहर के लोकप्रिय, कर्मठ, ईमानदार, साहित्य में विशेष रुचि रखने वाले एवं समाज सेवक हिमांशु लव को उतारा। नए परिसीमन के कारण पार्षद हिमांशु लव के लिए ये चुनाव जीतना आसान नहीं था, परंतु अपनी लोकप्रियता एवं मिलनसार व्यवहार के कारण पंडित हिमांशु लव ने 250 वोटों से जीतकर वार्ड 39 में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। सभासद का कार्य संभालते ही पार्षद हिमांशु लव ने अपने क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क किया और क्षेत्र की मूल समस्याओं को समझा और फिर सूचीबद्ध कर एक एक समस्या के समाधान पर काम किया। पार्षद हिमांशु लव द्वारा कराए गए विकास के अंतर्गत सबसे प्राथमिकता पर रही क्षेत्र की बदहाल सड़कें। टूटी सड़कों की मरम्मत करवाते हुए पूरे वार्ड की सारी ब्लैक टॉप सड़कों को बनवाया गया। हमारे जो पार्षद जी हैं लगभग 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इन्होंने हमारे जो सड़कें थीं जो 8-10 साल से नहीं बनी थी, पूरी ब्लॉक की सारी सड़कें कंप्लीट हो चुकी हैं। संपूर्ण वार्ड में लगभग 900 स्ट्रीट लाइट्स लगवाई गई एवं लंबे समय से खराब लाइटों को तत्परता के साथ दुरुस्त कराया गया और वार्ड के समस्त पार्कों का सौंदर्यीकरण भी कराया गया। वार्ड के सभी 29 पार्कों में सौंदर्यीकरण का कार्य कराते हुए 26 पार्कों को सुंदर, व्यवस्थित एवं दर्शनीय बनाया गया और आवश्यकता अनुसार उनमें बैठने की पर्याप्त व्यवस्था और लोगों के टहलने के लिए वॉकिंग ट्रैक बनवाए गए। बच्चों के लिए जो खेलने के लिए वो लगवाए गए झूला और बुजुर्गों के लिए बेंच लगवाई है कि उस पर बैठते हैं, शाम और सुबह अच्छी वो होती है, अपने यहाँ योग करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जब से स्वच्छता अभियान का शुरू करा है तब से हमारे पार्क में भी सफाई है। पार्षद जी ने बहुत ज़्यादा कर रखा है, डस्टबिन भी लग गए हैं, सफाई बहुत अच्छी रहती है। अब तो कूड़े वाले भी सुबह आ जाते हैं, कूड़ा भी उठा रहे हैं, तब से पार्क की भी थोड़ी सुविधा हो गई है। शेष 3 पार्कों में अभी विकास कार्य चल रहा है। राकेश मार्ग गली नंबर 2 के निवासियों की वर्षों पुरानी चली आ रही सड़क की समस्या का मुख्यमंत्री कोटे से 26 लाख की राशि स्वीकृत कराकर सीसी रोड का निर्माण कराया गया। मेरा नाम तैन सिंह है, पूर्व पार्षद हूँ। जब से हमारे वार्ड 39 के पार्षद हिमांशु लव बने हैं तो इन्होंने विकास कार्य बहुत ही तेजी से और बहुत ही मजबूती से करके दिखाया है। पूरे वार्ड की काली सड़कें बन के सब तैयार हो गई है, पार्कों का विकास चल रहा है, सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से दैनिक उसमें रोजाना होती है। वार्ड को जल भराव की समस्या से मुक्त कराने हेतु 1,32,00,000 रुपए की लागत से शनि मंदिर से गुलमोहर सोसाइटी होते हुए विवेकानंद नगर के समीप स्वदेशी पॉलिटिक्स वाले बड़े नाले तक एक नए नाले का निर्माण नगर विकास मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी द्वारा स्वीकृत कराया गया। इसके अलावा
64 लाख रुपए की लागत से भाटिया मोड़ से कमला क्वार्टर होते हुए बाटा शोरूम जीटी रोड तक अवस्थापना निधि से नाले एवं सड़क का निर्माण भी स्वीकृत कराया गया। नासापुर गांव की गलियों, पार्कों एवं पुराने राकेश मार्ग की गलियों की मरम्मत के लिए पार्षद कोटे से 1,20,00,000 रुपए का बजट स्वीकृत कराया। पार्षद हिमांशु लव के विशेष प्रयासों द्वारा जैसे पुराने राकेश मार्ग का नक्शा ही बदल गया है, सड़कों एवं पार्कों का निर्माण कराया, जर्जर पड़ी वाटर सप्लाई लाइन को बदलवाकर स्वच्छ पानी की व्यवस्था कराई, ट्यूबवेल स्वीकृत कराया। हमारी पानी की पेयजल की समस्या थी, 4-5 वर्ष से क्षेत्रीय जनता बहुत परेशान थी, ट्यूबवेल खराब था, पानी नहीं मिल रहा था, त्राहिताही मची हुई थी, कोई सुनवाई नहीं थी। जब हमारे पार्षद जी बने तो इन्होंने 30 हॉर्स पावर का ट्यूबवेल हमारे नगर निगम द्वारा स्वीकृत कराकर लगवाया है। आज पानी की हमारे क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। आनंद विहार कॉलोनी में वार्ड 39 के सबसे बड़े पार्क का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। ये मेरे वार्ड का सबसे बड़ा पार्क है, इसको एक बड़ी खूबसूरती देने का मेरा मन है और इसको मैं धीरे धीरे करके 2-3 फेस में लगभग 70-80 लाख रुपए लगाकर नगर निगम से मैं इसको एक बेहतरीन खूबसूरत पार्क बनाऊंगा। इसके अंदर अभी 12.5 लाख रुपए की लागत से पूरे पार्क की 4 दीवारी ऊंची हुई है और इसके 4 दरवाजे लगेंगे। उसके बाद इसमें मिट्टी की भराई होगी, ग्रासिंग लगेगी, कारपेट ग्रास लगेगी और पेड़ पौधे आदि फूलों के पौधे वो सब लगेंगे। इसके बकायदा मैंने आर्किटेक्चर बकायदा डिज़ाइन कराया है। 12,50,000 रुपए के बजट से बाउंड्री वॉल एवं वॉकिंग ट्रैक का भी निर्माण कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। शेष बजट पर स्वीकृति की प्रतीक्षा है। मेरे वार्ड में वार्ड के निवासी के लिए घूमने फिरने का स्थान नहीं था। ये वार्ड का सबसे बड़ा पार्क है। इस पार्क के अंदर एक वॉकिंग ट्रैक भी बनाया जा रहा है जिसे आप देख रहे होंगे और ये वॉकिंग ट्रैक लोगों के घूमने के लिए बहुत बढ़िया वॉकिंग ट्रैक बनेगा। इसके अंदर सुंदर टाइल लगेंगी और एक इसके अंदर योगा शेड भी बनाया जाएगा। इसके अंदर बैठने के लिए 10-12 बेंचेस होंगी। जो योगा शेड होगा वो योग के लिए तो काम आएगा ही, बारिश या अधिक सर्दी में महिलाएं बुजुर्ग उस शेड के अंदर विश्राम भी कर सकेंगी, उसमें बैठने की व्यवस्था भी रहेगी। इस पार्क को वार्ड के आदर्श पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है जिसका नामकरण गुर्जर सम्राट महाराजा मिहिर भोज के नाम पर किया गया है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को गैस के कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराए, आयुष्मान योजना पर कार्य करते हुए 250 से अधिक लोगों के गोल्ड कार्ड बनवाए गए हैं। पार्षद हिमांशु लव केवल सड़कों, नालियों, पार्कों एवं क्षेत्र के विकास तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि जनता की समस्याओं को जानकर उनका निराकरण कराने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। जन समस्याओं को सुनने एवं जन संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से क्षेत्र में एक जनसंपर्क कार्यालय बनाया गया है जिस पर प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक सभासद स्वयं उपलब्ध रहते हैं। इसके अतिरिक्त उनके प्रतिनिधि हर समय उपलब्ध रहते हैं। जनप्रिय सभासद हिमांशु लव ने पूर्व मंत्री बालेश्वर त्यागी की प्रेरणा से एक नई पहल का प्रारंभ किया जिसके अंतर्गत प्रत्येक होली एवं दिवाली पर सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया जाता है जिससे सफाई कर्मियों में अपने कार्य के प्रति निष्ठा और स्वाभिमान के भाव का जागरण होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आह्वान एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से वार्ड में व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाकर जन सहभागिता सुनिश्चित कराई गई। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आह्वान पर वार्ड 39 में लगभग 4,500 पेड़ मेरे द्वारा पार्कों में सड़कों के किनारे लगाए गए, जिससे कि वार्ड हरा भरा हो सके। इसके लिए क्षेत्र के प्रमुख लोगों एवं लायंस क्लब का भी सहयोग लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिंगल यूज प्लास्टिक को त्यागने के आग्रह पर गंभीरता से कार्य करते हुए पार्षद हिमांशु लव ने विशेष जन जागरण अभियान चलाया, जिसमें क्षेत्र के निवासियों एवं दुकानदारों से प्लास्टिक के उपयोग न करने की अपील एवं आग्रह किया। वीडियो के माध्यम से भी जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। अनेक माध्यमों से सरकार की नीतियों एवं अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को प्रचारित प्रसारित कराया। अगस्त 2019 में जब मोदी जी ने सिंगल यूज प्लास्टिक को इस्तेमाल बंद करने का आह्वान किया, उस पर मैंने अपना एक विशेष अभियान चलाया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में अपने वार्ड को ऊपर रखने के उद्देश्य से स्थानीय नागरिकों के सहयोग से विशेष कार्य किए जा रहे हैं। पार्षद हिमांशु लव द्वारा स्वच्छ भारत मिशन पर काम करते हुए अपने प्रयास से विशेष प्रकार के रिक्शा तैयार कराए गए हैं। ये उन स्थानों से भी कूड़ा इकट्ठा करने के काम में आते हैं जहां कूड़ा कलेक्शन के लिए गाड़ियां नहीं जा सकती। इस प्रयोग को बहुत सराहा जा रहा है। गुलमोहर सोसाइटी के सामने बीसियों वर्षों से चले आ रहे गंदगी के भंडार, अघोषित डंपिंग ग्राउंड, जिससे कि क्षेत्र की जनता बहुत त्रस्त थी, का स्थायी समाधान कराते हुए उसके निकट ही 12 लाख रुपए की लागत से नगर निगम द्वारा एक कवर्ड कूड़ा घर बनवाकर क्षेत्र में स्वच्छता की एक मिसाल कायम की। मैंने पिछले 1.5 साल मेहनत करने के बाद लगभग 15 लाख रुपए की लागत से इधर साइड में एक कवर्ड कूड़ा घर का निर्माण कराया और लोगों के सहयोग से यहाँ पर ये इस सड़क पर कूड़ा डलना बंद हो गया। अब जो भी कूड़ा है वो कूड़ा कवर्ड कूड़ा घर के अंदर डलेगा। पार्षद हिमांशु लव द्वारा जागरूक सभासद की भूमिका निभाते हुए नगर की बोर्ड बैठकों में जनसाधारण से जुड़ी समस्याओं को बेबाकी से उठाया जा रहा है। नगर निगम की आय बढ़ाने एवं हाउस टैक्स को व्यवस्थित करने के संदर्भ में भी अनेकों बार नगर निगम में सुझाव दिए गए हैं। अंत्येष्टि में प्रयोग में लाई जाने वाली लकड़ी के उपयोग को ध्यान में रखते हुए एवं वृक्षों के कटान को कम कराने के उद्देश्य से सभासद बनने से पूर्व विद्युत शवदाह गृह के निर्माण के लिए क्रमशः प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर उसको स्वीकृत कराकर विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कराया। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण पार्षद हिमांशु लव अनेकों सामाजिक एवं साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े हैं और यही कारण है कि वे वर्ष में अनेक बार मेडिकल कैंप, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन एवं प्रतिभा अलंकरण पुरस्कारों आदि का आयोजन करते रहते हैं। स्वच्छ भारत मिशन में मेरा प्रयास है कि मेरा वार्ड उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 1 आए। मुझे मेरे वार्ड के निवासियों का बहुत सहयोग मिला है और मेरे वार्ड के नागरिकों में स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूकता है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्र के निवासियों के सहयोग से मेरा वार्ड नंबर 1 आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। विश्वविख्यात कवि एवं साहित्यकार कृष्ण मित्र जी के पुत्र हिमांशु लव गाजियाबाद लोक परिषद के सचिव हैं और उनके द्वारा कराए जा रहे विकास एवं सामाजिक कार्य वास्तव में सराहनीय हैं।